हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का विद स्वाति में। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो आप सब लोगों को बहुत इमोशनल करने वाली है। आज की जो वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम एक ऐसी जगह पर आए हैं। एक्चुअली में ये जो भैया हैं आप मेरे पीछे देख रहे हो, पहले इनका फैक्ट्री थी एंड देन कोविड के बाद इतना ज़्यादा लॉस हुआ इनका कि फैक्ट्री बंद हो गई, तो इन्होंने एक रोड साइड पे अपनी गाड़ी में कुछ खाना सर्व करना शुरू करा लोगों को। और सोचा कि घर बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ तो काम करे। मतलब मेरे को ये लगता है कि कोविड ने ना बहुत लोगों के घर तो ख़राब करे ही हैं, काम ख़राब करा है, बट लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम है कि वो अपनी हिम्मत ना हार के वो ये नहीं सोचते कि हमने इतना बड़े लेवल पे काम करा और आज हम ये काम कर रहे हैं। तो गाड़ी में घर से खाना बना के लेके आते हैं और यहाँ पे गाड़ी पे, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये रखते हैं खाना और साथ ही में लोगों को खिलाते हैं। तो इनकी रसोई का नाम है गुरुजी रसोई। यहाँ पे राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, रायता है, चिकन तंगरी है, तवा रोटी है, एग करी है और रेट्स भी ज़्यादा नहीं है, तो एक नॉर्मल से रेट है। तो मिलते हैं इनसे और इन्हीं से ही सुनते हैं इनकी स्टोरी को। तो आइए मेरे साथ मिलते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। सो आशीष जी, कैसे स्टार्ट हुई है गुरुजी की रसोई और ऐसे कैसे स्टार्ट? ऐसे सर, मेरा एक्सपोर्ट का काम था। लॉकडाउन के बाद से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया फैक्ट्री, सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया, सब चीज़ें बंद होगी। अच्छा। तो सब चीज़ें बंद होगी तो कुछ काम धंधा रहा नहीं इस टाइम, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, उनको करने के लिए कुछ ना कुछ तो चलाना पड़ेगा। फैमिली सपोर्ट के लिए घर चलाना, मतलब इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और आपने कैसे माइंड में ये थॉट आया कि कैसे क्या करा जाए? बस कुछ नहीं, बस यही था कि कुछ ऑप्शन नहीं थी अभी फ़िलहाल, एक्सपोर्ट वगैरह गारमेंट्स कुछ चल नहीं रहा था। तो यही था, क्या कहते हैं अपना, कि खाने का घर का खाना ही हो कि लोगों को टेस्ट आए, थोड़ा सा काम स्लो में आए चले, उसी हिसाब से बस घर का खाने के शुरू किया उसे। सारा खाना आपके घर पे बनता है? सारा खाना घर का होता है, रोटी सब्जी और चावल, शाही पनीर होता है, कढ़ी होती है, राजमा है, सब घर का ही है। आशीष जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? देखिए, जैसे आपने बताया कि आपकी फैक्ट्री थी, एक्सपोर्ट का काम था, कोविड के चक्कर में बंद हो गया, जब आपने ये सोचा आपको ऐसा तो नहीं लगा था कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, इतने लेवल से मैं आज ये काम कर रहा हूँ, माइंड में ऐसा कुछ आया कि लोग क्या कहेंगे? मैम होता तो है, मगर अब यह घर चलाने के लिए अब सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब ये नहीं है कि मैं घर वालों को, बच्चा है मेरा, स्कूल जाता है, सब चीज़ें हैं, उसके बाद मैं उसकी एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा? तो मैंने फिर इसलिए कहा कि चलो घर से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे देखते हैं जैसे भी होता है। हाँ जी। तो क्या क्या है गुरुजी की रसोई में, आप क्या क्या लोगों को खिलाते हैं थोड़ा सा बताइए? अच्छा, ये चावल है। हाँ जी, ये राजमा है। ये राजमा, गाइज आप देख सकते हो कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा है, और बहुत जैसे इन्होंने बॉक्स ओपन करा तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। इसके अंदर कड़ी है, कड़ी है, ये भी आप देख सकते हो कितनी बढ़िया से बनाई हुई है, सारा घर का बना हुआ है, सारे मसाले घर के हैं, कोई एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं लिया हुआ। तो ये सारा घर का बनाया, सारा घर का बना हुआ है, मसाले वसाले सब घर के हैं, सब घर बिल्कुल हाइजीन के साथ आप ये सब बनाते हो खाना। अच्छा, तो हमें भी चलिए खिला दीजिए अपना खाना, हम भी टेस्ट करते हैं। तो आप लगाइए जब तक। तो गाइस, जब तक ये हमारे लिए खाना लगाते हैं, तो मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम लोग इतनी लोगों को सपोर्ट करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी वीडियोज़ को वायरल करना चाहिए। देखिए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक छोटा काम है, मैं फैक्ट्री ऑनर से आज मैं एक रोड साइड पे गाड़ी लगा के खाना बेच रहा हूँ। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, उनके घर में बच्चे हैं, बीवी है, अब घर वालों का पेट पालना है, बच्चे की एजुकेशन है, तो वो ये चीज़ कर रहे हैं। तो गाइज, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और अभी ये हमारे लिए खाना सर्व कर रहे हैं, तो मैं खाना टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कि खाने का टेस्ट कैसा है। तो एक बार ये खाना लग जाए फिर हम टेस्टिंग करते हैं। गाइज, मैंने इनसे लिए एक प्लेट राजमा चावल, आप देख सकते हो ये राजमा चावल हैं, ऊपर से इन्होंने चाट मसाला डाला है, प्याज डाले हैं और घर की बनी हुई चटनी डाली है। तो टेस्ट करते हैं। हम्म,
इन राजमा चावल का टेस्ट पता है कैसा है, बिल्कुल जो घर वाला होता है ना, सादा सिंपल सोबर, बस जो टेस्ट होता है ना उसमें इतना भरपूर होता है ना, वो है इसमें। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मम्मी के हाथ के राजमा चावल खा रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छे लगे। सिंपल खाना है, बेस्ट खाना है। सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, जो ये सोच नहीं रहे कि ये छोटा काम है बट स्टिल काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पे इतनी गर्मी में बैठते हैं, ये सुबह से आते हैं शाम तक बैठते हैं, कि जब तक इनको भी होता है कि हमारा खाना जो भी हम घर से बना के लेके आते हैं वो फिनिश हो जाए, जो भी अपना ये सेल पर्पज़ के लिए आते हैं, इनका जो अचीव करके जाए यहाँ से, इतनी मेहनत करते हैं। तो गाइस, हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग ऐसी वीडियोज़ को वायरल कर देते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता, बट इनकी जो स्टोरी है ना वो सीरियसली आपके दिल पर लगेगी। तो आप इनको देखिए, इनकी वीडियो को देखिए, इनकी वीडियो को शेयर करिए। आशीष जी की कहानी आप सबका दिल जीत लेगी गाइस। सो इनका खाना भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए गाइस। ये बैठते हैं पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के पास में है, ये इनकी गाड़ी है स्विफ्ट जिसमें ये खाना लेके आते हैं। यहीं ऊपर इन्होंने अपना खाना रखा हुआ है और यहाँ पर आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल, रायता, चिकन टंगरी, तवा रोटी और एग कड़ी मिल जाएगी, और वो भी बहुत मिनिमल, बहुत ही कम रेट्स पे। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, घर का खाना है, हाइजीन है, टेस्टी है, और सबसे अच्छी बात है कुछ और चीज़ें नहीं डली नहीं इसमें। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू आप यहाँ पर आइए और इनका खाना खाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।